नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक। मैं हूं आपके साथ कंचन डोगरा और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज की सबसे बड़ी खबर सलमान खान को लेकर, रहेंगे जेल में ही या फिर आज उन्हें बेल मिलेगी, ये सुनवाई होगी अब से ठीक एक घंटे बाद जोधपुर के स्टेशन कोर्ट में। कल सीजीएम कोर्ट ने उन्हें 5 साल जेल की सजा और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई थी। कांकड़ी गांव केस जहां पर 2 काले हिरणों का शिकार हुआ था, कल ये आरोप सिद्ध हो गया, दोषी करार दिए गए, सजा सुनाई गई और उसके बाद उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जहां पर जो रात बीती है वो बेचैनी में रात बीती है। ठीक से सो नहीं पाए, सुबह देर से उठे हैं, एक्सरसाइज नहीं की है, इस बेचैनी में रात गुजरी की आज राहत मिलेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इस बड़ी खबर से जुड़ी लगातार हर अपडेट हम आपको देंगे और इंडिया न्यूज लगातार आपको सलमान से जुड़ी हुई हर अपडेट दे रहा है। हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं, पुलकित नागरिक समय हमारे साथ बने हुए हैं। पुलकित, अमूमन जो कैदी से मिलने का समय होता है 10 से 5 का समय होता है, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि सुबह 7 बजे सलमान के जो वकील है जमानत अर्जी पर सुनवाई जो होने वाली उसको लेकर वो मिलने पहुंच चुके हैं, तो यानी कि तैयारी पूरी है कि जमानत मिल जाए सलमान खान को। कोशिश वकीलों द्वारा यही की जा रही है, उसकी एक वजह भी है कि सेशन कोर्ट हमेशा 2 चीज पे गौर जरूर करते हैं कि लोअर कोर्ट में जब ट्रायल चल रहा था तो क्या वो जमानत पर थे, अगर जमानत पर थे तो बुलाने पर यानी कोर्ट ने जब बुलाया तो वो हाजिर हुए या नहीं हुए, और इन दोनों चीजों में सलमान का रिकॉर्ड हमेशा सही रहा है, तो ऐसे में सेशन कोर्ट हो सकता है कि जमानत दे दे, लेकिन ये निर्भर ये भी करेगा कि आज अपील पर कितनी सुनवाई होती है। अगर सुनवाई देर तक चली और आज जमानत पर भी बात हुई तो हो सकता है आज जमानत हो जाए, नहीं तो फिर कल का दिन लग सकता है, लेकिन अगर खारिज हुई तो फिर सोमवार तक के लिए बात चली जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट सैटरडे और संडे बंद रहती है, जबकि जो सेशन कोर्ट है वो सिर्फ शनि इतवार को बंद होती है, शनिवार को खुलती है। जी बिल्कुल पुलकित, चलिए हम आपसे आगे अपडेट लेंगे। मुंबई से अभिषेक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और इसके बीच जो स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, अरविंद जैन है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, ब्रिजभूषण जी है हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं, फिल्म क्रिटिक है। ब्रिजभूषण जी का हम रुख करेंगे, लेकिन अरविंद जी एक बार मैं फिर आपके पास आऊंगा क्योंकि एक घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। आपके हिसाब से जो सरकारी वकील हैं वो तो अपनी बात रखेंगे, जाहिर सी बात है जो जमानत याचिका है उसका विरोध करेंगे, लेकिन सलमान खान के जो वकील हैं उनका सबसे स्ट्रांग प्वाइंट क्या होगा जिस आधार पर सलमान को राहत दिलाने की कोशिश करेंगे? नहीं, वो तो अब हम सुन ही रहे थे कि वकील जो बता रहे थे कि हाईकोर्ट में पिछले केस में क्या हुआ था और उसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा था, वो सब उन तमाम चीजों पर वो बहस करने वाले हैं जी। लेकिन मुझे लगता है कि जो 201 पेज का फैसला है, कल रात मैंने भी पढ़ा उसको, काफी प्रमाण साक्ष्य एविडेंस पुख्ता हैं, सलमान के खिलाफ हैं, बाकी लोगों के खिलाफ नहीं थे इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया जी। पिछले मुकदमे में भी सेशन कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी और सलमान को जमानत जाकर के हाईकोर्ट से ही मिल पाई, और तब भी 5 दिन जेल में रहे थे, 10 तारीख को उनके खिलाफ फैसला आया था और 15 अप्रैल तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था। तो सजा होने से पहले जमानत देने के जो कानून है और सजा होने के बाद जो चीजें देखनी है अदालत को, दोनों में थोड़ा फर्क है। और सेशन के सामने अब मुद्दा यह होगा कि अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, अपील आई है, उस पर सुनवाई होगी, आज पूरी हो सकती है, हो सकता है पूरी हो जाए, बहस सुनने के बाद फैसला आज भी सेशन कर सकती है, लेकिन पूरे अनुभव के साथ और पिछली पृष्ठभूमि को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सेशन इसमें बहुत जल्दी कोई राहत सलमान खान को दे पाए जी। मतलब आपको यही लगता है अरविंद जी कि जल्दी से जल्दी ये राहत जो सलमान खान चाह रहे हैं वो मिलना मुश्किल है यहां पर। आइए भोपाल रुक करते हैं जहां से ब्रिजभूषण फिल्म क्रिटिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजभूषण जी, सलमान खान को 5 साल की सजा हो गई है और बॉलीवुड जो है इस समय काफी दुखी परेशान नजर आ रहा है, हर तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सामाजिक तौर पर अगर देखें जो सलमान खान ने अच्छे काम किए हैं उनको दरकिनार करते हुए उनको 5 साल की सजा हुई है क्योंकि उन्होंने गुनाह किया, लेकिन बहुत बड़ा दांव बॉलीवुड का सलमान खान पे लगा हुआ है, क्या कहेंगे आप इस लिहाज से कि सलमान को आज राहत मिलती हुई आपको नजर आ रही है, लगती है मिल जाएगी राहत? नहीं, मुझे सब मैं बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री का करीब करीब मेरे हिसाब से जो सलमान खान की पोजीशन है, 800 करोड़ रुपए दांव पे लगे हुए हैं करीब करीब, और 800 करोड़ दांव लगने से क्या होता है कि आदमी पैसे दांव का अलग लगा सकता है लेकिन राहत जो है वो न्याय से मिलती है,
वो कोर्ट में किस प्रकार मिलेगी। बॉलीवुड तो बहुत गम में है, लेकिन अच्छे काम भी किए उन्होंने, सब कुछ किया। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि जब न्याय के सामने आदमी आज उनके वकीलों का दिन है, आज तो चाहे पक्ष वकील या विपक्ष वकील वो जो करेंगे, पर मुझे दिखता है कि शायद सलमान को आज राहत न मिले, ऐसा मेरा विचार दिख रहा है। क्योंकि जो बातें सुन रहे हैं कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, तो एक बॉलीवुड का बड़ा हीरो बहुत बड़े चक्कर में बहुत फंसा हुआ है, ईश्वर करे कि उनको कुछ राहत मिले, ऐसे हम दुआ कर सकते हैं। क्योंकि बॉलीवुड के हम हैं, बॉलीवुड के कारण से हम लोग जो है उसको बहुत बड़ा आदमी मानते हैं, और वास्तव में दुनिया उसको सलमान खान के कलाकार रूप में ज्यादा पहचानती है। बाकी बात तो बहुत बात की, 800 करोड़ का बहुत बड़ा दाव होता है यहाँ पर ब्रजभूषण जी, वाकई में। और अब ब्रजभूषण जी को भी राकेश यही लग रहा है कि बहुत मुश्किल है जमानत सलमान खान को मिल पाना। हालांकि अभी ये देखिए सेशंस कोर्ट में जज बैठते हैं, क्या उनके सामने दलीलें रखी जाती हैं, क्या कुछ बातें कही जाती हैं, अब क्या वो फैसला लेते हैं, ये वक्त के साथ ही ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन सलमान खान की जेल में रात कटी कैसे है, बेचैनी में रात उनकी गुजरी है, देर रात तक सो नहीं पाए थे, सुबह एक्सरसाइज उन्होंने नहीं किया, क्या कुछ हुआ ये जानने के लिए रुख करते हैं रचना का। जी रचना, बिल्कुल, इस पर हम चर्चा कर भी रहे थे राकेश और कंचन की किस तरह से बेचैनी में कटी होगी रात। रात में जेल का खाना उन्होंने थोड़ा बहुत खाया, ना के बराबर ही से कह सकते हैं खाना आया, लेकिन बेमन से उन्होंने खाया। खाने में रोटी और पत्ता गोभी की सब्जी सलमान खान को परोसी गई थी, जो उन्होंने थोड़ा बहुत खाया और फिर थाली वापस कर दी। खाने में चने की दाल भी उन्हें दी गई थी, ये मेन्यू होता है जेल का, चने की दाल, पत्ता गोभी और रोटी, जो कि कल उन्हें दिया गया। घर से खाना लाया गया था सलमान खान के लिए, लेकिन जेल प्रशासन ने मना कर दिया कि आप बाहर का खाना अंदर नहीं ले जा सकते। सलमान ने जेल प्रशासन से बरमूडा और टी शर्ट भी मंगवाया, उन्हें मच्छरों की तकलीफ वहां पर हो रही थी, ऑडोमोस लगाकर उन्होंने पूरी रात बिताई क्योंकि बहुत ही अनकंफर्टेबल वो फील कर रहे थे। जेल प्रशासन ने सलमान के बैरक का फैन भी ठीक कराया जो कि खराब पड़ा हुआ था। आप समझिए 40 डिग्री में एक मात्र पंखा सलमान को अब गर्मी से राहत देने के लिए। जेल प्रशासन ने सलमान को 4 कंबल भी दिए हैं जिनके सहारे उनको बैरक में रहना होगा, सोना होगा, जागना होगा। जेल में सलमान के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है, कड़ी की गई है, क्योंकि सलमान अपने आप में स्टार है और किसी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो उसका ध्यान रखा गया है। वार्ड नंबर 2 के बैरक नंबर 2 में सलमान खान को रखा गया है और बताया यह जाता है कि इसी बैरक में आसाराम भी हैं। सलमान को कैदी नंबर 106 की वर्दी मिलेगी, वर्दी के लिए नाप ले लिया गया है सलमान खान का और बताया यह जा रहा है कि बहुत जल्द उन्हें अब जेल की वर्दी भी मिल जाएगी। सलमान को सुबह नाश्ते में दलिया दिया गया, सुबह देर से उठे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सोने में देर होगी तो 8 बजे वो सोकर उठे हैं और नाश्ते में दलिया दिया गया है। तो